हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो दोस्तों, इस कोर्स के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। बीएफए इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या क्या स्कोप्स रहती है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ विक्रम और मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चित्रकार योगी। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जो कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, इस 4 साल के अंदर करीब 8 सेमेस्टर्स देना पड़ता है। स्टूडेंट ये डाउट करते हैं कि डिग्री प्रोग्राम तो 3 साल का होता है, उसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं, आप बता रहे हो डिग्री प्रोग्राम 4 साल का होता है। हाँ मेरे दोस्त, ये एक्चुअली स्किल और टैलेंट बेस्ड डिग्री प्रोग्राम है, जहाँ आपकी स्किल डेवलपमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कस होते हैं, जहाँ पर आपकी टैलेंट को कैसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस होते हैं। लोग तो जानते ही होंगे कई सारे फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, जैसे आपके बीए, बीबीए, बीकॉम, बीटेक, वो आपकी नॉलेज डेवलपमेंट में काम करते हैं, आपकी स्किल डेवलपमेंट में कोई काम नहीं करते। इन आपका जो बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का कोर्स है आपके लिए, जो कि आपके टैलेंट को, आपके स्किल्स को और भी ज्यादा और भी डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं। बताऊंगा ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। इसमें कॉमन चीज जानते क्या है, पेंटिंग और अप्लाइड। हर स्टूडेंट बचपन से ही इसके साथ किसी ना किसी तरह से जुड़े रहते हैं, सभी को पेंटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आपका जो डिग्री प्रोग्राम है बीएफए, ये आपका टैलेंट को इम्प्रूव करता है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में 2 फील्ड होते हैं, पहला तो पेंटिंग और दूसरा अप्लाइड। क्या है, किसी भी खूबसूरत चीज को आप अपनी कैनवास पे बनाते हैं उसे ही पेंटिंग कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक पेंटिंग है। अप्लाइड क्या होता है, अप्लाइड में दोस्तों किसी भी खूबसूरत चीज को और ज्यादा खूबसूरत बनाना उसे ही अप्लाइड कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अप्लाइड है। पेंटिंग और अप्लाइड दोनों ही अलग अलग इंडस्ट्री है, दोनों में ही बहुत सारे स्कोप होते हैं, स्कोप के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये कोर्स करने के लिए आपको पहले 12th पास करना जरूरी है, वो भी आप किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे कि साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। आपको नंबर कितना चाहिए, मिनिमम 50% नंबर होना जरूरी है। 12th क्लास में 50% लाना इतना भी ज्यादा टफ नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट है जो 10th के बाद ही इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। जो कोर्स होते हैं वो 2 साल का होता है, तो आप ये कोर्स आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि मेरे पास ये स्ट्रीम है, ये परसेंटेज है, क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग परसेंटेज चाहिए होता है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल से मदद ले सकते हैं। आर्ट कॉलेज के बारे में मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा। स्कोप, अब बात करते हैं स्कोप की। स्कोप की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करने के बाद आपके पास 2 फील्ड निकलते हैं, पहला तो आप पेंटिंग और दूसरा अप्लाइड। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कोर्स करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब आसानी से पा सकते हैं। आपका जो बीएफए कोर्स है वो और बीएड दोनों ही इक्वल होता है, आप इजीली जॉब ले सकते हैं टीचिंग में। किसी भी स्कूल या कॉलेज में आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पेंटिंग और अप्लाइड दोनों के मुकाबले अप्लाइड में बहुत ही ज्यादा स्कोप मिलता है। तो आप बात करते हैं पेंटिंग में आपको क्या क्या स्कोप मिलते हैं। पेंटिंग में बहुत अच्छे एक टीचर बन सकते हैं, उनके स्केच करने के लिए भी ऑर्डर मिल सकते हैं आपको मार्केट से, या फिर कॉमिक्स के डिजाइन करने का भी मौका मिल सकते हैं आपको। आप आर्ट स्टूडियो पे भी काम कर सकते हैं, या फिर फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं बड़े बड़े आर्ट गैलरी में।
फिर आप वॉल पेंटिंग भी कर सकते हैं। दूसरे जॉब में क्या होता है, आपको बाहर जाके काम करना पड़ता है, मगर यहाँ पे क्या होता है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता काम करने के लिए। पूरे साल आप अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाइए, अच्छा कुछ करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद एंड ऑफ द ईयर आप अपने पेंटिंग्स को, अपने आर्ट को म्यूजियम में सेल करने के लिए भेज दीजिए। जब वो सेल हो जाए तो अच्छे मनी भी कमा सकते हैं आप। अब हम बात करने वाले हैं एप्लाइड के बारे में। एप्लाइड क्या है? एप्लाइड के अंदर बहुत सारे स्कोप होते हैं। किसी भी खूबसूरत चीज को और ज्यादा खूबसूरत बनाना, यही तो है एप्लाइड। दोस्तों एप्लाइड में क्या क्या स्कोप रहते हैं, आप बहुत ही अच्छे कॉमर्शियल आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, या फिर आप एक अच्छे एनिमेटर भी बन सकते हैं। आप लोग आने वाले टाइम में देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में बहुत ही ज्यादा स्कोप होगा। मोस्टली जो एप्लाइड के स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में ही जाते हैं, जहां वो खूबसूरत चीज को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। यही तो है एप्लाइड स्टूडेंट का काम। पेंटिंग में क्या है, स्कोप कम है, मगर आप जो बनाते हैं उसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है। तो पता ही होगा पाब्लो पिकासो की बनाई हुई एक पेंटिंग हाल ही में न्यूयॉर्क की एक नीलामी में 4 करोड़ मार्केट डॉलर में बिका है। इंडियन मनी में जो होता है 363 करोड़ के आसपास। तो आप समझ सकते हैं वर्ल्ड में आर्ट का क्या वैल्यू होता है। ऐसे ही आर्ट एडुकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।